दोस्तों मार्केट डेली में हम लोग देखेंगे कि 26 मई को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकलिस के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देखिए आप टेक्निकलिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पे निफ्टी 10 पॉइंट पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 281 पॉइंट डाउन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे तो एक मार्केट जैसे कि एक फ्लैट क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, उसका भी एक रीजन है कि एचडीएफसी बैंक ये थोड़ा ज्यादा आज नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट जो कि बैंक निफ्टी पे गिरा है। हम लोग एनालिसिस करेंगे और कल हमने क्या एनालिसिस किया था वो भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कल का जो कैंडल बना था एक डोजी टाइप, और उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज था तो वो थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, फिर से जो रेंज में आ गया जो कि नैरो रेंज है। मैंने कहा था कि ये रेंज में अगर मार्केट हो रहेगा तो एक थोड़ा साइडवेज रहेगा, या फिर आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, टॉप लॉस हो सकते हैं। मार्केट ने जो है कि फ्राइडे को जो मूवमेंट किया उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद कुछ तो दिन साइडवेज जाएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने कल भी कहा था। तो जब तक एक मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट करेगा और जब भी ये लेवल ऊपर या नीचे डिसिजिवली ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। मार्केट का जो ट्रेंड है उस हिसाब से मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज जाके नीचे भी आता है, लेकिन वे ऊपर जब भी ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम होगा, या कल भी आज के हाई के ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा था कि मार्केट 15,500 जा सकता है वीकली में, लेकिन एक हर्डल रहेगा 15,300। तो आज का जो हाई है करीब करीब 15,300 के आसपास बनाया था मार्केट ने, वहां से जो है कि उसको सेलिंग आया। 15,300 के यहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे पोजिशन बने हुए, तो ये आपके लिए जो है कि एक रेजिस्टेंस है। नीचे 15,100 जो है कि एक अच्छा सपोर्ट है, जो नजदीक का ब्रेकआउट जो मार्केट ने बनाया था, उसके नीचे अगर आप देखोगे तो लगभग 15,000 का जो लेवल आता है, ये राउंड फिगर भी है। तो अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा करेक्शन भी करता है तो 15,000 के यहाँ पे एक मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल मार्केट जो ट्रेंड है यहाँ पे अप ट्रेंड है, उसमें अप ट्रेंड में ये थोड़ा सा साइडवेज या वोलेटाइल चल रहा है, और मार्केट वेट करेगा कि एक नेक्स्ट मूवमेंट के लिए और नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए। मोस्ट प्रोबेबली 15,300 के ऊपर एक बार मार्केट क्लोज देता है या फिर एक मूवमेंट करता है तो अच्छा एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने के लिए मार्केट यहाँ पे रेडी है। हम लोग इंट्राडे में देखेंगे कौन से इंपोर्टेंस लेवल रहेंगे। तो जैसे कि कल हमने जो लेवल निकाले थे तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो ऊपर खुला और ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करते हुए डाउन साइड में रिस्पेक्ट किया। जैसे मैं कहता हूँ कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं वो अल्टरनेटिवली चेंज भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर से ओपन हुआ इसलिए रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे और नीचे आ गया, और नीचे का लेवल को भी इतना अच्छी तरह यहाँ पे रिस्पेक्ट किया नहीं है। लेकिन कल के लिए भी हमको वही लेवल रहेंगे, जब भी 15 to 57 के ऊपर मोस्टली जब हम लोग बाइंग के लिए देखते हैं तो यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के बाद यहाँ लेवल पे सस्टेन होने के बाद ऊपर जाता है तो आपको बाइंग मिलता है, और जो सेलिंग का लेवल रहता है वहां नीचे जाने के बाद ये लेवल के नीचे सस्टेन होके या रिटेस होके नीचे जाता है तो आपको सेलिंग का एक मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे कोई सिनेरियो बना नहीं, वो बना तो यहाँ पे उल्टा बना था और वहाँ पे एक सेलिंग का मौका जरूर मिला। तो यहाँ पे आपको लेवल और प्राइजेशन देखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट एक यहाँ पे 2 दिन से सही नहीं चल रहा है, एक साइडवेज चल रहा है और एक आध दिन भी चल सकता है, और एक्सपायरी में जो है कि एक्सपायरी में शायद मोमेंटम कर सकता है। तो ये 2 3 दिन आपको एक अच्छी तरह देखना चाहिए। तो हमारा बाइंग फिर से 15,000 to 57 के ऊपर होगा, सेलिंग 15,189 के नीचे होगा, जो कल के लेवल है वही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मार्केट सेम रेंज में ये मूवमेंट कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि अपने रेंज से थोड़ा नेगेटिव यानी कि लोअर साइड में क्लोज हुआ है। एक्चुअली ये रेंज बाउंड होगा, और जो नीचे वाला लेवल है 14 to 86 जो ये लेवल है ये नजदीक का एक टॉप लॉस हो सकता है, जो कि होल्ड करना चाहिए बैंक निफ्टी ने। और ऊपर का जो लेवल है 35,212 जो मैंने आपको कल कहा था जो इम्पोर्टेंस लेवल है, ये लेवल के ऊपर जब भी बैंक निफ्टी क्लोज होता है एक अच्छा मोमेंटम आएगा, शायद ये लेवल ब्रेक होने के लिए टाइम भी ले सकता है या एक्सपायरी तक भी टाइम ले सकता है। तब तक ये जो अगर रेंज में घूम रहा है बैंक निफ्टी भी, तो
तो ये दो रेंज में आपको एक वोलेटिलिटी मिलेगा और अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। स्कैल्पिंग ट्रेड यानी छोटे मोटे ट्रेड मिल सकते हैं, बट ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिल सकता है। कल के लिए क्या लेवल रहेंगे, हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे देखते हैं। तो देखिए कि ये जो 14,740 जो है कि यहाँ पे आज भी रेजिस्टेंस लिया है, और लेवल पे देखिए कि मोस्टली बैंक निफ्टी हो या निफ्टी कहीं ना कहीं लेवल पे मार्केट वर्क करता है। तो अभी हमको नेक्स्ट जो लेवल है हम लोग इंट्राडे में डालेंगे, जो सेलिंग के लिए लेवल रहेगा 34,423 के नीचे सेल करना है। बाइंग के लिए 34,740 के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो कल अगर पॉजिटिविटी होगा, ये लेवल के ऊपर खुलता है या लेवल ओपन होने के बाद ब्रेक करता है, अच्छे एक ट्रेडिंग मौका आपको मिल सकता है। दोस्तों अपने कल कुछ स्टॉक देखे थे उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बीपीसीएल से देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल था, लेकिन यहाँ पे बीपीसीएल में लगभग अपने टारगेट के यहाँ पे गया। एक्सिस बैंक जो था वहां पे देखते हैं कि अपने लेवल के ऊपर गए नहीं, यानी इनिशिएट नहीं हुआ। यूपीएल में हमने 1% का टारगेट कहा था, तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद 1% यहाँ पे मूवमेंट करके आया। आईटीसी में देखते हैं, आईटीसी में देखे कि एक गलत जगह पे ओपन हुआ, यानी कि ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आया, जैसे कि जैसे इंडेक्स में भी हुआ था। तो ऐसे टाइम ट्रेड नहीं होता, नीचे से ऊपर जाता है तभी आप मोस्टली वो ट्रेड इनिशिएट करो। तो हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक देखते हैं, मार्केट साइड पे थे तो कुछ बाइंग के स्टॉक देखेंगे, कुछ सेलिंग के भी। पहला स्टॉक देखते हैं टाइटन इंडस्ट्री। तो टाइटन ने आज जो है कि बहुत अच्छा मोमेंटम किया है, नजदीक वाला जो ये थे रेसिस्टेंस थे उसके ऊपर क्लोज हुआ है। कल अगर 1.74 के ऊपर ये अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। 1.617 का ये मोमेंटम आपको दे सकता है, ये टारगेट हो सकता है। बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस देखिए कि ये जो ये नीचे आ रहा था 4-5 दिन से, आज एक पॉजिटिव कैंडल बना है। तो ये इसका एक ये है कि जिसके वजह से मैंने आज इसको सिलेक्ट किया। और नेक्स्ट जो उसका लेवल है 11,411, एक लगभग एक राउंड फिगर जैसा है, इसके ऊपर जाता है तो आपको एक बाइंग का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट इसका टारगेट जरा बड़ा भी आ सकता है, लगभग 11,544 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो आप इसमें कल नजर रख सकते हो। जैसे मैंने दो बाइंग के दिए तो दो हम लोग सेलिंग के भी देखेंगे, क्योंकि मार्केट साइड वेज है। तो सेलिंग में हम लोग देखेंगे कि एमएनएम एक सप्लाई जोन के यहाँ पे आने के बाद दो रेड कैंडल बनाया, और ये दो रेड कैंडल बनाने के बाद जो है कि कल का लो जो है इसके नीचे अगर आता है 8,06 के नीचे आता है तो आपको एक सेलिंग का मौका मिलेगा। यहाँ पे 781 तक आ सकता है, लेकिन ये एक ही दिन में नहीं आएगा, तो आपको एक इसका पहला टारगेट 1% का रखना पड़ेगा। एचडीएफसी लाइफ में देखिए कि यहाँ पे अगर देखो तो नजदीक वाला लो के आसपास है यहाँ पे, और ये डाउन चैनल में चल रहा है, तो नजदीक वाला लो लगभग इसने मैच किया है 657। 657 के नीचे जाती यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, और 640 का पहले टारगेट आ सकता है। यहाँ पे डाउनवर्ड चैनल भी चल रहा है, तो ये चैनल का ये जो होल्ड किया था ये लेवल ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कल मार्केट ऐसे चलना चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसी टेक्निकल सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं लाइव मार्केट में। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है stockguru.dipak.in, वहां पे जाके भी आप जो कि इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।